कोतवाली से कुछ कदमों की दूरी पर आराम से फल फूल रहा कच्ची शराब की बिक्री का कारोबार। खुलेआम धड़ल्ले से बेची जा रही है वह शराब। नगरवा क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की बिक्री पर किसी भी प्रकार से आबकारी व पुलिस विभाग लगाम लगाने में असमर्थ है। अनेकों बार आबकारी व पुलिस ने कार्यवाहियां की, लेकिन सभी तरह की कार्यवाहियां पूरी तरह से नाकाम साबित हुई हैं। नगरवा क्षेत्र में आबकारी व पुलिस को चुनौती देते हुए कच्ची शराब के माफिया शराब को कोतवाली के कुछ कदमों की दूरी पर खुलेआम बेच रहे हैं। इस अवैध कारोबार पर किसी भी तरह से लगाम नहीं लग पा रही है। नगरवा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कच्ची शराब एवं नकली शराब का निर्माण किया जा रहा है। कबूतरों के डेरों के अलावा अनेक क्षेत्रों में शराब बनाई जा रही है। मुनाफे को देखते हुए अन्य लोग भी इस अवैध धंधे को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस एवं आबकारी विभाग ने भले ही समय समय पर छापेमारी कर सैकड़ों लीटर कच्ची शराब व लाखों लीटर लहन नष्ट किया हो, लेकिन प्रभावी कार्यवाही कभी नहीं हो सकी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नगरवा क्षेत्र में एक दिन के लिए भी कच्ची शराब की बिक्री बंद नहीं हुई है। नगरवा क्षेत्र में कबूतरा जाति के लोगों द्वारा चुरारी रोड, कनकने डेरा, बसरिया डेरा, भकोरा डेरा, शिमला डेरा सहित आदि डेरों पर धड़ल्ले से शराब बनाई जाती है और मछली मंडी, सुखनई नदी के घाटों के कोने कोने पर कोतवाली से कुछ कदमों की दूरी पर खुलेआम अवैध कच्ची शराब बेची जा रही है। योजना के तहत शराब बेचने का जिम्मा महिलाएं व बच्चे संभालते हैं, पुरुष शराब बनाने का काम करते हैं। इस अवैध कारोबार से होने वाले लाभ के कारण कबूतरा जाति के लोग व अन्य आर्थिक तौर पर मजबूत हो गए हैं। खास बात तो यह है कि कबूतरा डेरों में रहने वाली शायद ही कोई महिला ऐसी हो जिस पर आबकारी अधिनियम व पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत न किया गया हो। जब कभी भी आबकारी विभाग व पुलिस ने डेरों पर छापामारी की तो वहां के सारे पुरुष भाग जाते हैं और मौके पर केवल महिलाएं ही मिलती हैं। मऊरानीपुर से पुष्पेंद्र श्रीवास के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।